अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। ये कुरियर के बच्चे 3,950 रुपए। 50 रुपए ही लिए 4,000 में से वो कुरियर वाले ने इतने सारे सामान के? कैसा सामान? वो सब लकड़े की गुड़िया, तोरण, वो सब बनाए थे। उसकी एक लिस्ट दी थी मैंने, तुझे याद है? वही लिस्ट तो मैंने कुरियर की है। आ गया हमारा कुरियर। ये तो बस सामान की लिस्ट कुरियर की है। मेरी कुतुब मीनार ने सामान मुंबई में ही रखा और सिर्फ ये लिस्ट कुरियर से भेजा। अरे वसंत भाई इधर है। क्या कर रहा? अरे वसंत भाई आ गए आप? जी। अच्छा अभी सुनिए आप। हाँ। आपका टेंट है सी ब्लॉक में और टेंट का नंबर है 22। हमारा टेंट है आज तो ओड़ी। आपके तो कपड़े भी तैयार हैं। हाँ। शाम को 6 बजे प्रैक्टिस और 7 बजे आपका प्रोग्राम है। प्रोग्राम है? प्रोग्राम। चुप रहे। आज तो ओड़ी गीत संगीत का प्रोग्राम है। बिपिन पराग मालती जी। एक मिनट एक मिनट भाई साहब। वसंत वो तो बराबर है, मालती बिपिन पराग वो जो आप समझ रहे हैं ना। भैया एक मिनट बड़ी, एक मिनट घूम जाइए हाँ एक मिनट। शरद ये जो भी है शख्स हमें वसंत बिपिन मालती और पराग समझ रहा है। भैया समझने दीजिए ना। तो मुझे बाइडी करता है विचित्र। इसी बहाने हमें टेंट मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं और लॉजिकली हम कुछ अपने साथ लेकर भी नहीं आए थे। इसका मतलब ये नहीं ना कि हम। वसंत देखिए हमें अब तक ये भी तो नहीं पता है कि पत्थर वाले भगवान का संकेत क्या है और हमारा यहाँ आने के पीछे मकसद क्या है। भैया सोचिए, सर पे छत रहेगी थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ। ओ वसंत भाई जी 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 अभी है ना हम शाम को 6 बजे मिलेंगे। एकदम फर्स्ट क्लास प्रोग्राम कर देना, एकदम रंग जमा देना। अरे भले भले चलो। हलो हलो मलो हल हल सही है। वसंत बिपिन पराग मालती ये याद रखना। हाँ, 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 पापा हाँ, आप वसंत है? हाँ थैंक यू। अरे मैं वसंत ही हूँ। पराग मालती और बिपिन वो आपस में बांट लेना। हाँ हाँ बांट। अच्छा उसने क्या कहा था टेंट क्या? C22। हाँ C22 पापा। हाँ? यहाँ पे होगा। यहाँ पे होगा? नहीं नहीं भैया यहाँ पे। यहाँ? अरे यहाँ। अरे क्या कर रहे हो? अरे यहाँ। अरे मूर्तियाँ कहाँ गई? देखो मारी बात मानो, तुम लोग पास के गांव की दुकान में जाकर कुछ कलात्मक चीजें खरीद कर आओ, मैं उन्हें स्टॉल में लगा दूंगा। हाँ, हाँ, तब तक हम लोग घोटाला फैमिली की दी हुई वो 4 गुड़िया स्टॉल पे सजा देते हैं। हाँ, अरे इतना बड़ा स्टॉल और सिर्फ 4 गुड़िया, अरे क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? इज्जत रानी, इज्जत हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। ये इतना खुश हो के क्यों बोल रहे आप अंकल ओझा? और रानी भैया 4 गुड़िया तो 4 गुड़िया ही सही, कह देंगे कि वो नायाब है, एंटीक है वो। हाँ, मारी तरह तैयार। ए ना, ए वाला, ए ना, वो घोटाले ने जो 4 गुड़िया दी थी ना, वो गायब है। What? के बोल रहा है भद्रेश? हाँ। ये भद्रेश मैन, सब टेंट एक जैसा दिखता है मैन, तू गलत टेंट में घुस करेगा। बोल। अरे वाला सारे टेंट एक जैसे दिखते हैं, टेंट के नंबर तो नहीं ना? अरे हमारा बाकी सारा सामान एज इट इज पड़ा है, खाली वो गुड़िया गायब है। अच्छा 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 क्या अच्छा 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 सब बुरो बुरो बुरो, हमारे टेंट से 4 गुड़िया गायब हो गया है। लेकिन इतने सालों से यहाँ कभी कोई चोरी? चोरी चोरी का बात कौन किया? हाँ, तुम हम पे तुम पे चोरी करने का इल्जाम लगाने का इल्जाम लगाता है। हैं? ये मैं क्या बोला? एक मिनट, तुम हम पे चोरी करने? रानी भैया चुप। अरे मैं नहीं समझा मैं क्या बोला मैंने। चुप, बिल्कुल चुप। आप प्लीज जाके पता कीजिए ना वो गुड़िया कहाँ है। ठीक है ठीक है। और अंकल ओझा तब तक आप यहाँ के लोकल मार्केट का आता पता कीजिए। मैं? हाँ है ना, यहाँ की मार्केट तो 1 घंटे में बंद हो जाएगी।
वहाँ तो कल ही जा पाएंगे। हाँ। रानी, देखो हमारी बात मानो, हम लोग थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, फिर चलकर कल्चरल प्रोग्राम एंजॉय करते हैं, कर पाए तो, नहीं तो। वो मितेश प्रतीश के पापा का फोन था, वो बोल रहे थे कि वो रणोत्सव में कल्चरल प्रोग्राम देखने जा रहे हैं अभी। हाँ, अब तो उन लोगों को वहाँ वही करना पड़ेगा ना। हाँ, हम लोग भी स्टेज पे जाके ऐसे डांडिया खेलते। तू सिर्फ खड़ी रहना और मैं ना डिंटडा टिटा 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 डिंटडा टिटा टिटा टिटा। चलेगा ना? चलेगा बा। अब बड़ों की गलती की सजा अगर छोटों को भुगतनी पड़े तो वो तो छोटों का सौभाग्य है। देख लाजो, देख इसे। अरे ओ मारवाड़ी मदर इंडिया, तू क्या आर्ट फिल्म की हीरोइन की तरह से सोचनीय मुद्रा में खड़ी है? क्या हुआ? मुरली भाई की याद आ रही है? याद तो मारे को मारे मानव की आ रही है। भावना भाभी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। उस दिन हेमंत ने मानव तो कहा पर वर्षा ने उसे रोक लिया। ये कहने जा रहा होगा हेमंत? हो सकता है वो लोग होली के दिन मानव को लेके या सनशाइन कॉलोनी आने वाले होंगे। वो घोटाले मिलके तुझे सरप्राइज देने वाले होंगे और हेमंत उनका भांडा फोड़े उससे पहले वर्षा ने उसे रोक लिया होगा। देख, देख ये गुजराती घूवर, ये उल्लू की आंखें भी ऐसे बड़ी बड़ी हो रही है। लगता है ये भी उनके सरप्राइज में शामिल है। भैरवी, तू कुछ जानती है ना मारे मानव के बारे में? हेमंत ने तुझे कुछ बताया है? मारे को बताना। मैं मितेश प्रतीश का बड़ा डब्बा भर के आती हूँ। मैं आई। हाँ। अरे चकुड़ी, वो लोग तो स्कूल जा चुके हैं। अरे सुन मेरी। पक्का सरप्राइज ही लगता है लाजो। सरप्राइज होता तो भैरवी के चेहरे पे यूं डर नहीं होता। जरूर कोई और बात है और जरूर उसका ताल्लुक घोटालों से है। वैसे सोचने लायक तो है लाजो, घोटाले शिशिर को यहाँ अकेला छोड़कर किसी को बिना बताए रणोत्सव में क्यों चले गए? वही तो, इतनी की बेकरारी थी उनको वहाँ जाने की, वो के करने गए होंगे वहाँ? अरे मानव के साथ के ताल्लुक होगा उनका? तभी पता चलेगा जब मुरली भाई, ऐना, रोनी, बाबा सब मिलके घोटालों से बात करेंगे। हाँ बाबा। हाँ बा। ये घोटाला तो नहीं पहुंचे, इनका घोटाला पन जरूर पहुंच गया। जब गलती भैरवी की है तो इसमें घोटाला का क्या कसूर? भाई ये वाला, तू क्यों बार बार उनका नाम ले रहा है? कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अरे मेरी बात मानो, हम लोग कल्चरल प्रोग्राम का आनंद लेते हैं, हैं? एक मिनट। ओ मंडली, हमारे को ट्रेलर तो दिखाओ। Oh my God! I don't believe this. आप लोग यहाँ? जोयो, जोयो वाला, शैतान का नाम लिया और चारों शैतान हाजिर हो गए। पापा, आपको शैतान बोला? तू ही सबसे बड़ा शैतान है। अरे घोटाला, तुम लोग इधर क्या करता है मैन? थोड़े से लो, अब तो सारे टेंट घूम जाएंगे। हमारे साथ में आने से मना किया था ना आपको सृष्टि घोटाला? हाँ तो हम आपके साथ में थोड़ी आए हैं, हम तो आपके हाथ में आए हैं। मतलब हम अलग से आए हैं तो लॉजिकली हमने आपकी बात मानी है।
एक्सक्यूज मी वसंत भाई, अब प्रोग्राम के लिए तैयार है ना? और मालती जी आप? हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। नहीं तो बता दो उधर। घूम जाओ। जो मालती नहीं है, मालती वर्षा भाभी है। नहीं पापा ने बोला था कि पापा वसंत है, बाकी विपिन पराग और मालती आप आपस में बांट देना तो मैं मालती ही रहूंगा। मालती लड़की का नाम होता है, ऐसे क्या कर पराग है? नहीं भैया पराग मैं हूँ, इसे विपिन रखते हैं। नहीं मैं मालती ही रहूंगा। दम 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 मत कर, ये स्टेज टूट के गिर जाएगा। ए कोटाला ए क्या घूम के तुम लोग? अरे बोल। अरे वो क्या है काला काला जो दूध देता है? मेरे मगन का काका। मेरा मगन काका दूध देता है? हाँ उनका डेयरी फार्म है। क्या है? नैंसी तू रहने देने भाई, चुप रहे। वो क्या है काला काला जो दूध देता है? भैंस भैंस पुलु पुलु। ए कोटाला ऐसा क्या घूम के तुम लोग भैंस करता है? बताओ इधर काहे को आया? 7 बजे इनका प्रोग्राम है गीत संगीत का। रानी भाई। रानी 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 मेरे को रानी बोला? इसको मारूंगा। तो घोटाला तुम लोग इधर गीत संगीत करेगा, तुम लोग तो स्टेज पे भी ऐसा घूमेगा। ना ना रोनी आज तो ऑडियंस इन्हें देखकर करेगी। घूम घूम टकरी बाबोलायो बकरी। मैं वसंत, ये मालती। वो मालती नहीं है, यही है। हाँ। अरे पीछे आ जाओ बेटा, हुफ हुफ मत करो, ये सब अंदर जाएंगे। ढोल पकड़ के रख, मुंह में जाएंगे। ये पराग है। कौन पराग? पराग वो है, ये विपिन है, वो मालती है जी। आपके सामने एक गुजराती गीत पेश करने जा रहा हूं मैं, जिसमें कच्ची शब्द है, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो कृपया क्षमा कर दीजिए। अब मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। शरद प्लीज, देखो जो कुछ भी हुआ है मैं उसे भुला देना चाहती हूँ। तो अब मैं मुझसे नाराजगी नहीं है? नाराजगी तो अपनों से की जाती है, ये तुम्हारी रिंग। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। हेमंत हेमंत, मैं कुछ टाइम यहाँ अकेला रहना चाहती हूँ, तुम? ठीक है चलो सरे चाचा। गुड नाइट। शरद के साथ।
बताओ, तुमने वो नाटक क्यों किया था मेरे साथ अच्छे गायक होने का? वो गलती से ही सही, लेकिन एक ही तो बात थी जो तुम्हें मुझ में अच्छी लगी, तो मैं... नहीं शरद, तुम मुझे समझे ही नहीं कि मुझे तुम्हें कौन सी बात पसंद थी। मुझे तुम्हारी सादगी, तुम्हारा भोलापन, ये जो तुम एक नंबर के इडियट हो ना, वो बात मुझे तुम में सबसे ज्यादा अच्छी लगी। मुझे माफ कर दोगे? I'm sorry. नहीं नहीं नहीं, मतलब तुम क्यों माफी मांग रही हो? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। तो फिर से दिला दो मुझे कल मेरी अंगूठी लौटा कर। एना, एना, वो तो तू मेरे पास ही है। रुखसाना, मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज हेल्प। मंसूर आविद? ये मंसूर आविद कौन है?